हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर आवर लवली चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस वीडियो हैज बीन मेड फॉर द दो चिल्ड्रन हु स्टे अवे फ्रॉम ट्यूशन। दे आर नेवर एबल टू गो टू ट्यूशन एंड इफ दे डू नॉट गेट एनी सपोर्ट टू स्टे देन आई एम विथ यू एंड इफ यू देयर इज एनी प्रॉब्लम देयर वी शुड कैन कॉमेंट। If you like this video, then please like and don't forget to share with friend. So let us start the video. जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सनशाइन टेक्स्ट बुक क्लास 5 का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। ये आप देख रहे हैं द क्रिकेट मैच, ये क्लास 5 का है। तो इसी के बारे में आज हम क्वेश्चन आंसर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को आप देखिए, इसी का क्वेश्चन का आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसे, और आप अपना राइट कॉपी खोलें और इसे अभ्यास करें। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसीलिए आपको मेरे साथ आज कुछ समय देना होगा और आप अपना क्रियाकलाप को जारी रखें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे ये 5 क्लास के और भी बुक चैप्टर जो बनाए हुए हैं, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। 84 वीडियो अपलोड की गई है, तो जाके उसे देखें और उसका लाभ उठाएं, ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि आंसर दीज क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हु कम्स बैक फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल से घर कौन आता था? तो अमन जो थे वो स्कूल से घर आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द स्कूल क्रिकेट टीम। कहता है कि कितने खिलाड़ी थे इन द स्कूल क्रिकेट टीम। स्कूल में जो क्रिकेट टीम हो रहा था उसमें कितने प्लेयर थे, उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा देयर आर 11 प्लेयर्स इन द स्कूल क्रिकेट टीम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर थे। 11 में 11 प्लेयर थे, प्लेयर में खिलाड़ी होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हु इज द कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम, यानी स्कूल के कौन, तो उसका नाम कुछ तो होगा, नाम उसका है समीर इज द कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम। समीर जो थे वो कैप्टन थे, वो स्कूल के क्रिकेट टीम जो हुआ था उसी में वो क्रिकेट टीम थे, कप्तान जिसको कहा जाता था। देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर में क्या दिया है। व्हेन डिड अमन स्टे एट होम, अमन जो थे वो कब आते थे घर से। क्वेश्चन दिया है व्हेन डिड अमन स्टे एट होम, अगर अमन घर में ही रह जाते थे तो क्या करते थे, तो उसी के बारे में बताया था। अमन स्टेड एट होम टू टेक केयर हिज ग्रैंडफादर की देखरेख करते थे। हिज ग्रैंडफादर वाज इल, उसके ग्रैंडफादर जो थे इल थे, बीमार थे। देखते हैं 5 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इज अमन्स मदर ए टीचर और ए डॉक्टर, क्या अमन के माताजी थे वो शिक्षक थे या डॉक्टर थे। तो इसका आंसर होगा अमन्स मदर इज ए टीचर, अमन की माँ शिक्षिका थी। चलिए एक बार इसको सरसरी नजर से जरा पढ़ लेते हैं और मेरे साथ भी आप पढ़ने का प्रयास करें। टुनली किचन से मेरा अनुरोध है कि आप भी मेरे साथ बने रहिए और पढ़ने का अभ्यास करें। तो पढ़ेंगे इसको द क्रिकेट मैच। तो ये तो समझा दिया गया, आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं। एक बार पुनः आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, ये आपका दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से, काफी सुंदर राइटिंग से लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कुछ थ्योरी में। यहाँ पर दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ दिया अमन कम्स बैक फ्रॉम, वो कहाँ से आते थे, तो स्कूल आते थे, स्कूल से घर आते थे। तो यहाँ स्कूल भरेंगे, ये प्लेग्राउंड नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अमन स्टेड एट होम टू, वो घर में यदि रहते थे क्या करते थे, लुक आफ्टर हिज ग्रैंडपा की देखरेख वो करते थे, यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि अमन्स मदर कम बैक होम एट कितने बजे आते थे, तो 3:30,
यही इसका आंसर होगा, 3:30 बजे वो आती थी। तो ये हमारा क्रिकेट मैच का जो क्वेश्चन सर था ये खत्म हो गया। चलिए थोड़ा आप लोगों को कुछ पढ़ा देते हैं। ये दिया है क्रिकेट मैच, तो ये करेक्टर है, करेक्टर आप देख सकते हैं, पात्र परिचय होता है, ये अमन है, अमन ए बॉय ऑफ 11, लड़का 11 ईयर्स के हैं। अरुण समीर, अमनस फ्रेंड्स, अमनस मदर, अमनस ग्रैंड फादर। तो सीन वन यानी दृश्य दिखाई देता है सीन वन का। तो अमन कम बैक फ्रॉम द स्कूल, हिज रिंग द बेल, हिज ग्रैंड फादर ओपन द डोर, अमनस गोज इनसाइड। अमन कम बैक फ्रॉम स्कूल, वो अमन स्कूल से आते हैं और घंटी बजाया जाता है और उसके फादर जो होते हैं ग्रैंड फादर ओपन दरवाजा खोलते हैं और अमन प्रवेश करते हैं, वह इसको बताया गया है। हम आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं, आप मेरे साथ पढ़िए और अपना ये कुछ स्पीक को जारी रखिए, क्योंकि आपका था कि आप कैसे पढ़ते हैं सर, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए। तो मेरे साथ बनिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ग्रेट न्यूज, वी आर हैविंग ए क्रिकेट मैच टुमारो अगेंस्ट मिडिल स्कूल प्रतापपुर, एंड आई एम इन द टीम, दैट्स रियली वंडरफुल, यस ग्रैंडपा आई एम एक्साइटेड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन योर टीम, हु इज द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, ग्रैंडपा देयर आर 11 चिल्ड्रन इन आवर टीम, वन बॉय इज एन एक्स्ट्रा प्लेयर, समीर इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, अमन पुट ऑफ योर ड्रेस एंड शू एंड हैव योर लंच क्विकली, अमन विल यू हेल्प योर सेल्फ, आई हैव फेवर, आई वॉन्ट टू स्लीप, ओ श्योर ग्रैंडपा प्लीज गो टू द बेड, इफ द बेल रिंग्स आई विल आंसर, हैव यू टेकन सम मेडिसिन, यस आई हैव, गुड ब्लेस यू माई डियर। ये तो देख रहे फर्स्ट दृश्य का हमने बताया, तो इसमें कहा जा रहा है कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, यानी दोपहर के बाद किसी का सुबह अभिवादन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुड आफ्टरनून, दोपहर के बाद यदि किसी को नमस्ते करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनाए इससे। तो ये कहानी आपको बताई किस तरह से पढ़ना है। चलिए मेरे साथ यहाँ बनिए और आप बोलिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। अमन इज सीटिंग, बोलिए मेरे साथ, अमन इज सीटिंग ऑन ए चेयर एंड रीडिंग ए बुक, फिर बोलिए, अमन इज सीटिंग ऑन ए चेयर एंड रीडिंग ए बुक, मेरे साथ पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सडनली ही हियर्स ए व्हिसल, ही ओपन्स द डोर, हिज फ्रेंड्स अरुण समीर एंड ए फ्यू चिल्ड्रेन आर आउटसाइड। उसके बाद यहाँ दिया है कि हेलो फ्रेंड्स, तो बोलेंगे हेलो, वेयर आर योर बैट, टेक इट एंड कम टू द क्रिकेट ग्राउंड, वी आर ऑफ। तो क्या पढ़ेंगे, सॉरी अरुण, आई कांट कम टूडे, बट यू प्रोमिस्ड, आई नो बट आई कांट कम, कांट कम, व्हाट हैपेंड, आर यू एंग्री, नो नो इट्स दैट You can't do that. We have the match with middle school Pratappur tomorrow. You are the wicket keeper and an opener too. इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो किस तरह लगा, आप इसी तरह पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको पढ़ने प्रॉब्लम तो मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।